हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स टाइम टू स्टडी। आज हम इस वीडियो में F.W. टेलर्स टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लास्ट तक ये वीडियो देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रिगार्डिंग टेक्निक। लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स अवर सब्जेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर। सो लेट्स मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। So now we are going to study the techniques of scientific management. So F.W. Taylor, that is Frederick Winslow Taylor, says, so techniques of scientific management consist of work study. What is work study? Work study means to study the available workforce. जितने हमारे department में employees या workers है उसका हमें detail में study करना है। How they are doing the work, what is the period of their work, वो कितना काम करते हैं, what activities they perform, that we have to organize it and systematically हमें उसका critically study करना है। So work study किस पे based है? Techniques. वर्क स्टडीज के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। सो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटिक स्टडी। सो वील कंटिन्यू विद वन बाय वन। फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क स्टडी इज अ टाइम स्टडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम स्टडी? नाम से ही पता चलता है। टाइम मीन्स व्हाट? हाउ द वर्कर इज अलॉटिंग द टाइम टू द वर्क। मतलब कोई वर्कर कोई भी वर्क या काम करने के लिए वो कितना टाइम उसको देता है, कितने टाइम पीरियड में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है, वो हमें डिटेल में स्टडी करना है, उसको टाइम स्टडी बोलते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ व्हाट? ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉई टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। मतलब जितना अपने एम्प्लॉई को एक पर्टिकुलर वर्क, एक पर्टिकुलर टास्क काम करने के लिए जितना टाइम लगता है वो हमें ऑब्जर्व करना है। दैट इज फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड टाइम एंड टू कंपेयर विथ एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड हमने कितना फिक्स किया था? 6 आवर्स, और एक्चुअल हमें 5 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। सो इट इज अ फेवरेबल सिचुएशन। स्टैंडर्ड टाइम हमने रखा था 4 आवर्स, बट एक्चुअल 6 आवर्स लगता है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो मोर टाइम इज रिक्वायर्ड, सो इट इज अनफेवरेबल सिचुएशन। So time is important, so time study very important techniques of work study method. So time study में हमें क्या क्या देखना है? It is a technique used by fixing the standard time required to do a particular task under a given condition. So it is useful for what purpose? It is useful for measuring the efficiency of employee and to control the cost of work. हमें worker कैसे काम करते हैं, how much are working or not, whether company is in favorable situation or unfavorable, मतलब हम लोग अच्छी position पे हैं या we are not in a good position. So हमें किससे पता चल सकता है? Time study. In work study, second technique is method study. वर्क स्टडी के अंदर सेकेंड पार्ट है मेथड। मेथड मीन्स फॉर डूइंग द वर्क बहुत ज़्यादा मेथड्स अप्लाई, अलग अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं, तो हमें उसमें से बेस्ट मेथड लेना है, जिससे क्या होगा? कॉस्ट कम होगा, वेस्टेज कम होगा और प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो बेस्ट मेथड मस्ट बी आइडेंटिफाई फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, जिससे क्या हो सकता है? वेस्टेज मस्ट बी रिड्यूस, रॉ मटेरियल इज इम्प्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेस एंड प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा अगर हमने बेस्ट मेथड हमने सिलेक्ट किया तो। सो इट इज हेल्पफुल फॉर वॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज। मेथड स्टडी भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है विच इज अंडर द वर्क स्टडी। थर्ड पार्ट इन वर्क स्टडी इज मोशन स्टडी। मोशन से पता चलता है, मोशन मतलब क्या होता है? मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। सो हियर मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉई एज वेल एज मशीन
वाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क, बट वन एम्प्लॉय कहाँ काम करता है, मशीन पे. सो दोनों का मूवमेंट इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉय का भी मूवमेंट इम्पोर्टेंट इफिशियंट है और मशीन का भी मूवमेंट इफिशियंट है. एम्प्लॉय कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मशीन कम अंडर फिजिकल रिसोर्सेज, तो बोथ द रिसोर्सेज मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट. अननेसेसरी हमें वेस्टेज को कम करना है, तो ऐसा मेथड अप्लाई करो जिससे अननेसेसरी वेस्टेज कम हो. सो मोशन स्टडी हेल्प इन वॉट फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ का इफिशेंसी बढ़ेगा, वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और जो ज़रूरी नहीं है उसको हम निकाल सकते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा एक्सेस. तो इसको क्या बोल सकते हैं, मोशन स्टडी. इससे हमें क्या पता चलता है, सीक्वेंस ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म विद स्मूथ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज. पॉइंट नंबर डी इज इन दैट फैटिक स्टडी. फैटिक स्टडी मीन्स अगर हमें किसी ने बहुत घंटा काम करने के लिए बोला तो हमें कंटाला आ जाता है. लॉन्ग वर्किंग हावर्स विदाउट सफिशेंट ब्रेक्स, अगर हमें ब्रेक्स नहीं दिया तो क्या होता है, फिर दैट एम्प्लॉय और वर्कर विल फील फ्रस्ट्रेटेड. टास्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा जिससे उसका इफेक्ट मेंटली स्टेबिलिटी पे पड़ेगा. तो फिटिक स्टडी मीन्स वॉट, अ लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, टारगेटिंग प्रेशर, प्रेशर है बहुत, इतना दिन में वो काम करना ही है, हैवी वर्किंग टूल्स, पुअर वर्किंग कंडीशन, इससे क्या हो सकता है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस होता है जिसको फैटिक बोलते हैं. जैसे आपकी एम्प्लॉय है, अगर कोई काम कर रहा है या एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, वहाँ पे अगर उसको ब्रेक नहीं होगा तो उसको फिर कंटाला आएगा, बोलेगा कुछ काम के लिए टाइम ही नहीं है, कुछ लिए आइडल होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपको ब्रेक मिलना ही चाहिए. इन एवरी कॉलेजेस एंड एवरी स्कूल है वो ब्रेक, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिसेस. व्हाई, बिकॉज स्टूडेंट बहुत बोर हो जाते हैं इतने सारे लेक्चर्स अटेंड करके कंटिन्यूस. अगर स्कूल या कॉलेज हो गए तो स्टूडेंट्स विल गेट बोर, सो फैटिक होगा, मेंटली स्ट्रेसफुल होगा, इसलिए रिसेस रखा है ताकि रिफ्रेशमेंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स को, और फिर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन जो होगा, सेकेंड सेशन आफ्टर रिसेस, वो और अच्छे से ध्यान दे के पढ़ सकते. वैसे सेम अगर ऐसा हो गया, वर्कर को लॉन्ग वर्किंग आवर काम करना पड़ा, तो जिससे क्या होगा, उसके एडवर्स इफेक्ट हो सकता है उनकी हेल्थ पे. सो फैटिक स्टडी से हम लोग क्या करते हैं, फैटिक स्टडी हेल्प्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फैटिक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय. वर्कर्स और एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, स्मूथ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज होनी चाहिए. इसलिए हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ती है, फैटिक स्टडी. सो फोर पॉइंट्स कवर अंडर व्हाट, वर्क स्टडी. सो ऑल दिस फोर पॉइंट्स इज पॉइंट नंबर वन, वर्क स्टडी. व्हाट इज टेक्निक नंबर वन फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट, पॉइंट वन इज वर्क स्टडी. इन दैट वी कंप्लीटेड टोटल फोर पॉइंट, ए बी सी एंड डी. नाउ वी आर इन सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट. Means whenever any worker or employee is working in an organization, the tools and equipments must be good. जो हम जो वो काम कर रहे वहाँ का जो environment होगा वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन भी अच्छे होने चाहिए, जिससे क्या होगा फिर वेस्टेज कम हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, जो वर्कर्स में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है वो कम होगी, और जिससे क्या इम्प्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क. सो टूल्स एंड इक्विपमेंट मस्ट बी गुड, सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग. जो भी उनको हम काम देते हैं वो पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी वर्क उनको अलॉट करो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर काम कर रहे हो बट बिलो देयर कैपेसिटी. तो टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग फेयर डेज वे वर्क. वर्कर का जो वर्क होगा वो प्रॉपर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए. साइंटिफिक सेटिंग इज वर्क और इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जिससे क्या होगा, वर्कर अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करेगा, बिलो कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं करना चाहिए. सो अलो बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक वॉट विल हेल्प, एम्प्लॉयज विल कम्प्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स गिवन. जो भी आपको दिया है टारगेट उसके अनुसार आप अपना काम कम्प्लीट कर सकते हैं. अदरवाइज वॉट विल हैपन, अगर ऐसा नहीं किया तो कोई भी अच्छे से काम नहीं करेगा, बिलो द कैपेसिटी काम हो सकता है. इसलिए साइंटिफिक टास्क सेटिंग से क्या हो सकता है, बेनिफिट. Management can keep proper control on optimum utilization of workforce. मतलब wastage of resources कम होगा. अभी कौन से resources? Human resources, जिसमें workers होते हैं. Point fourth, scientific selection and training. So management जब select करेगी workers या employees को, तो उनका selection कैसा होना चाहिए, right person for right job. और उसे कैसे select करना चाहिए, by scientific selection. अलग अलग नए नए प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करो भी साइंटिफिकली. कुछ जॉब का स्पेसिफिकेशन देना चाहिए. एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू
प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड इन ए इम्पार्शल वे. जो भी एम्प्लॉयज का सिलेक्शन होगा पार्शलिटी मत करो, स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सिलेक्टेड एंड देयर शुड बी नो पार्शलिटी बिटवीन एनी ऑफ द वर्कर. और जो भी सिलेक्शन होगा मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड देम व्हाट प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे क्या हो सकता है इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉयज. और उनको अगर अच्छा ट्रेनिंग दिया तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स या एम्प्लॉयज का क्या इंप्रूव होगा, उनका इफिशियंसी इंप्रूव होगा. देयर शुड बी नो पार्शलिटी बिटवीन एनी ऑफ द वर्कर्स और एम्प्लॉयज. पॉइंट नंबर 5, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. सो वट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? प्लानिंग इज सेपरेटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन. मतलब प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन अलग होना चाहिए. प्लानिंग इज डन बाय वॉट? डिफरेंट पीपल. प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट करेंगे और एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज बाय वो मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड वर्क इज परफॉर्म बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो वर्क विल बी सुपरवाइज बाय टू डिफरेंट सेट्स ऑफ सुपरवाइजर. मतलब दो सुपरवाइजर का सेट्स रखना है, जिससे क्या ही रिकमेंडेड टोटल 8 फोरमैन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट. कितने फोरमैन होने चाहिए टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टोटल 8 फोरमैन होने चाहिए. तो उनकी जो कैटेगराइजेशन की है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के टू पार्ट्स में की है. कैटेगराइजेशन ऑफ फंक्शनल ऑर्गन 2+ प्लानिंग लेवल एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल. सो फर्स्ट विल स्टडी अबाउट प्लानिंग लेवल. सो प्लानिंग लेवल में पहला आता है रूट क्लर्क, जो क्या करता है, टेल्स हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन. इंस्ट्रक्शन क्लर्क होता है, जो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है कम्प्लीट द वर्क. तीसरा होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो टाइम देता है वर्क शुड बी कम्प्लीटेड विद प्रॉपर टाइम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड वर्क मस्ट बी कम्प्लीटेड विद प्रॉपर टाइम एंड वर्क आउट द कॉस्ट. और फोर्थ होता है डिसिप्लिन, जो इंश्योर दैट वर्क इज मूविंग एज पर द फैक्ट्री रूल. वो उसका काम यही होता है कि वेदर रूल्स आर बीइंग परफॉर्म, कुछ रूल्स हैं और ब्रेक होते हैं क्या, वो चेक करेगा वो एट प्लानिंग लेवल पे होता है. दूसरा होता है बी पार्ट इम्प्लीमेंटेशन लेवल. इम्प्लीमेंटेशन लेवल में क्या होता है, गैंग बॉस जिसमें एक्चुअली गेट्स द वर्क डन. गैंग बॉस का काम का होता है वो एक्चुअली काम करके लेता है. दूसरा होता है स्पीड बॉस, वो क्या चेक करता है टाइम रिक्वायर फॉर स्पेसिफाइड वर्क, वो टाइम में कम्प्लीट हुआ है कि नहीं. फिर होता है रिपेयर बॉस. रिपेयर बॉस का काम क्या होता है, वो हैंडल करता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल. फिर होता है इंस्पेक्टर, जो क्या करता है वर्क इज डन एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड में काम किया है कि नहीं. सो डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है, डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज इनटू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक का. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक भी है. अकॉर्डिंग टू टेलर, डिवीजन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इनटू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. सो मैनेजमेंट कैन डिफाइन अचीव द रिक्वायर परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय. इससे क्या हो सकता है, दो पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड किया प्लानिंग लेवल एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल, तो हर एक जन अपना काम अकॉर्डिंग टू द वर्क अलॉटेड कर सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है. पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन पीस रेट वेज प्लान. नाम से पता चला डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हमें क्या फिक्स करना है, रेम्यूनरेशन. जो भी हम लोग वर्कर्स को वेजेस और एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं वो रेम्यूनरेशन होता है, जिससे उनको क्या मिलता है, मोटिवेशन. बट वो काम कैसे करते हैं उसके ऊपर रेम्यूनरेशन डिपेंड होना चाहिए. सो रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट. हर एक जन मोटिवेशन मिलना चाहिए उसको, ऐसा अंडर एस्टिमेशन नहीं होना चाहिए कि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग अ पार्शियल, इट इज इम्पार्शियल बिहेवियर होना चाहिए, पार्शियल बिहेवियर नहीं होना चाहिए. सो टेलर ने एक कंसेप्ट ओपन किया डिफरेंशिएटेड पीस रेट, उसका मीनिंग क्या हुआ, हायर वेजेस फॉर द वर्कर्स हु परफॉर्म अ हाई वर्क गुड वर्क. जो अच्छा काम करेगा उसको हायर वेजेस मिलेगा, दोज आर नॉट परफॉर्मिंग गुड वर्क उनको लोअर. मतलब जो अबव स्टैंडर्ड काम करेगा अबव स्टैंडर्ड विल गेट हायर वेजेस, जो बिलो स्टैंडर्ड काम करेगा ही विल गेट अ लोअर रेट ऑफ वेजेस. सो टेलर ने क्या सजेस्ट किया है, हायर रेट्स आर ऑफर टू एम्प्लॉयज टू कम्प्लीट द वर्क मोर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी. मतलब स्टैंडर्ड से ज्यादा अगर आपने काम किया तो आपको हायर वेजेस मिलेगा. एंड ऑन द अदर हैंड ऑपोजिट वाइज फॉर इफ एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड, अगर कोई एम्प्लॉय स्टैंडर्ड के नीचे काम करेगा तो उसको लोअर रेट मिलेगा. सो इसको क्या मिलेगा, लोअर रेट ऑफ वेजेस. इससे क्या होगा, दिस टेक्निक से क्या हो सकता है, एवरी वन विल वर्क. जैसे आपको पता है ऑल द स्टूडेंट्स नो हार्ड वर्क विल गेट गुड मार्क्स, लेस हार्ड वर्क विल नॉट गेट गुड मार्क्स. सो एवरी वन विल वर्क हार्ड टूवर्ड्स टू गेट गुड मार्क्स. तो जिससे क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट मोटिवेशन. ऐसे यहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज विल गेट मोटिवेशन, जिससे क्या होगा, एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय विल वर्क हार्ड एंड द हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड कैन हायर वेजेस, जिससे एम्प्लॉय को हायर वेजेस मिलेगा और उसका अपोजिट इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में मोर एंड मोर प्रॉफिट होगा. तो ये सारे पॉइंट्स कवर किए, तो दिस ऑल आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट.
सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड। थैंक यू।